कौन सा नाम और कौन सा संग्राम, हम उस नाम की बात कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों ने बेंगलुरु की बैठक के बाद तय किया। पहले नाम को लेकर कंफ्यूजन हुआ, फिर श्रेय लेने की होड़, फिर खबर आने लगी कि विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार नाम से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने सामने आकर सारे कयासों को खुद ही खारिज कर दिया, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि संग्राम तो है। कहीं संग्राम आमने सामने का है तो कहीं बड़े और छोटे भाई का। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं किन किन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सीधी भिड़ंत है। पश्चिम बंगाल को लेकर तनातनी बैठक के पहले से जारी थी, अब भी जारी है। टीएमसी एक तरफ है तो लेफ्ट और कांग्रेस दूसरी तरफ। वहीं सीताराम येचुरी हो या फिर बृंदा करात, दोनों ने ही साफ आकर सामने इस बैठक के बाद कह दिया कि राज्य में तो हम अपनी अपनी जो परिस्थिति है उसको देखते ही गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह पंजाब और दिल्ली, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है, तो इन राज्यों में क्या होगा, किसे समझौता करना होगा, कांग्रेस को या फिर दूसरी पार्टी को। आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे थे विपक्षी एकजुटता में शामिल पार्टियों को 2019 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली, वोट शेयर उनका क्या रहा, इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में बैठक हुई, मोदी विरोध की नीयत से नीतियां तय हुई और नाम तय हो गया। अर्लियर वी वर्क्ड विद यूपीए, नाउ विद ऑल 26 पार्टीज अ न्यू नेम इज गिवन, दैट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी एकता वाले गठबंधन के नाम का ऐलान हुआ तो नीतीश बाबू नजर नहीं आए। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया, तब बिहार के मुख्यमंत्री सफाई देने के लिए खुद सामने आए। कहीं न कहीं तो नाराजगी जरूर है, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का ये हिस्सा था और उसमें अखिलेश यादव का भाग नहीं लेना, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 लोग गए थे वहां मीटिंग के अंदर, और नीतीश जी के साथ भी 4-5 लोग गए थे, लालू जी थे, ललन सिंह थे, सारे लोग थे, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेने से क्या जल्दबाजी थी। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, हम काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिएगा, छोड़ने दीजिए, उसके कभी चक्कर में लगिएगा। वहाँ तो मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके कुछ। फिर ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश बाबू को इंडिया नाम पसंद नहीं आया, लेकिन जेडीयू ने इससे भी इनकार कर दिया। नाम में भी लेकर मतभेद है कि डेमोक्रेटिक नाम हो या डेवलपमेंटल नाम हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छबास रोग से ग्रस्त हैं। इंडिया नाम को लेकर विपक्षी दलों में श्रेय लेने की होड़ भी है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की दूरदर्शिता बता रही है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाम किसने दिया या किसने सोचा। हमारा मानना है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। एक व्यक्ति पैदल नाप दिए 4000 किलोमीटर भारत को जोड़ने के लिए, और अब इंडिया को लेकर उठ खड़ा हुआ है, इसी से ये डरते हैं। पब्लिक को तो बहुत पसंद आ रहा है। नीतीश कुमार को क्यों नहीं पसंद आया? उनको भी पसंद आया, ऐसा नहीं है, और सबको पसंद आया, बेहतरीन नाम है। बड़ी गहन चर्चा हुई, सबके पक्ष सुने गए और उसके बाद ये नाम तय हुआ। अब ये नाम किसने दिया, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, उस श्रेय लेने की दौड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, नाम बेहतरीन। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर तमाम खींचतान के बीच डी पर कंफ्यूजन भी हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष ने डी को डेवलपमेंटल यानी विकासवादी बताया, लेकिन शरद पवार का ये ट्वीट देखिए, डी को डेमोक्रेटिक बता रहे हैं। आरजेडी ने भी वही बताया, इंडिया के डी को डेमोक्रेटिक बताया। समाजवादी पार्टी भी डेमोक्रेटिक पर अटकी, हालांकि बाद में भूल सुधार हुआ, लेकिन तब तक तो बात आगे बढ़ चुकी थी। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा,
बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्म निरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है वो बंगाल के ही आधार पर तय हो। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। विपक्ष का गठबंधन तैयार है, मोदी विरोधी पार्टियां एक मंच पर है, नाम भी तय हो गया है। विपक्ष ने सोच समझकर नया नाम इंडिया चुना ताकि यूपीए अतीत बनकर रह जाए। लेकिन क्या बीजेपी आसानी से कांग्रेस को यूपीए से दामन छुड़ाने देगी? ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भागे भगाए भी हैं। 38 दलों को उन्होंने बुला लिया, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की घबराहट का ये नतीजा है। सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, वरना तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। तो बीजेपी के अंदर अब कुछ नैतिकता बची नहीं। इंडिया नाम में लोचा है लेकिन असली लोचा विपक्षी गठबंधन के अंदर से है। महत्वाकांक्षाओं की टकराहट से बचने की चुनौती है। बहरहाल विपक्ष की एकता दौड़ पटना से शुरू हुई थी, अब बेंगलुरु होते हुए मुंबई की तरफ रवाना हो रही है। लेकिन रास्ते में अभी बहुत सारे कांटे हैं। आज तक ब्यूरो।